वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बरियाल स्पेशल लखनवी मटन दम बिरयानी, जो बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये मेरी खुद की रेसिपी है। और मेरे पास में ये देखिए बिरयानी बनाने के कुछ सामान है, आप इसको देखिए। ये मेरे पास में है 1.5 किलो मटन है, और जो बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। आप मटन अपने हिसाब से और अपनी पसंद से लीजिए बिरयानी के लिए। और ये कुछ 4 प्याज हैं बड़े, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, बड़े साइज़ के हैं। और ये कुछ मसाले हैं, ये दही है, ये 250 ग्राम दही रखा हुआ है। इसको मैंने मिक्सर में अच्छे से फेंट लिया है, और उसको चाहे आप ट्विस्टर से या मिक्सर से फेंट के ही डालिए, क्योंकि नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे सालन के अंदर, उसकी जो अखनी बनाएंगे हम। और ये मेरा गरम मसाला है, जो मैं पीस के पाउडर बना के उसके अंदर डालूंगी बिरयानी के अंदर। ये कुछ थोड़ी दालचीनी है 2 स्टिक, ये 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च है, 1 ये जावित्री का फूल है, और ये 12 से 15 हरी इलायची है, और ये कुछ 8-10 लौंग है, और 1 ये नट है, जायफल जिसको बोलते हैं, और ये 1 बड़ी इलायची है काली वाली, और ये 1 तेज़पत्ता है। इनका सब मैं पाउडर मिक्सर में बना दूंगी। और ये लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, वैसे ये बिरयानी में ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली जाती हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है, लेकिन आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको जैसी पसंद हो। ये 1 चम्मच मेरे पास में नमक है, और ये कलर है, फूड कलर है, जिसको मैं दम लगाने के टाइम पे डालूंगी। और ये दूध है, कुछ 1/2 कप दूध है, ये भी दम के टाइम पे जाएगा। और ये केवड़ा है, इसको ये एसेंस भी मेरा, जब मैं बिरयानी को दम लगाऊंगी तब ये इसमें ये भी जाएगा। और ये कुछ हॉल स्पाइस है, जैसे 2 हरी इलायची हैं, 2 लौंगे हैं, 1 तेज़पत्ता है, 1 लकड़ी है। चलिए फिर हम लोग तैयार करते हैं। ये देखिए ये चावल है, ये बासमती राइस है, लॉन्ग बासमती राइस है, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके और भिगा के रख दिया था। करीब ये 1/2 घंटा से इसी तरीके से भीग रहे हैं। आपके चावल जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप भिगोइए, चाहे 10-15 मिनट, अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो 30-30 मिनट्स काफ़ी होते हैं। और ये रॉक सॉल्ट है, जो मैं पानी के अंदर डालूंगी, आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रॉक सॉल्ट डालती हूँ अक्सर चावल में बॉईल करने के टाइम पे। और ये मेरे पास में कुछ गरम मसाले हैं, जो ये पानी के अंदर जाएंगे। और चलिए फिर पानी हम लोग चावल को तैयार करते हैं। ये देखिए मैंने 1 बर्तन में पानी फुल भर के ले लिया है, और इनमें हम चावलों को पकाएंगे, फिर ये सारा नमक हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद में जो ये गरम मसाले थे उनको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और पानी को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अच्छे से पानी बॉईल हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं ये चावलों को ऐड करूंगी। जब तक कि मैं ये इस बर्तन को वो दूसरे गैस पे शिफ्ट करती हूँ और अखनी तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने कुकर गैस पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है, और इसके अंदर मैंने 1 कप तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद में मेरी ये साबुत गरम मसाले जो थे वो इनके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही अच्छी है। आप हमारे बरियाल गणेश चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए गरम मसाला इसमें पक गया है, तेल भी गरम हो गया है हमारा, गैस को थोड़ा स्लो को गैस स्लो करेंगे, बाद में ये प्याज भी इसके अंदर डाल देंगे। सारी प्याज इसके अंदर जाएगी। ये फ्लेम को फास्ट कर देंगे और प्याज को पका लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, उसको देखते रहना है कि जले नहीं प्याज। अगर आपका प्याज जल गया तो आपकी बिरयानी भी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए पानी हमारा बॉइल्ड हो गया था, इसके लिए मैंने इन चावलों को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाएंगे। इनको मैं कम से कम 80-90% तक पकाऊंगी, और फिर उसका पानी, जितना भी एक्सेस पानी है, वो सारा निकाल दूंगी, और मेरे प्याज
दूसरे गैस पे पक रहे हैं और इन चावलों को मैं और थोड़ा पकाऊंगी, बाद में इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सब निकाल डालूंगी। ये देखिए चावल हो गए हैं अच्छे से, 80% तक चावल पक गए हैं और हमको इसी पॉइंट पे इनका पानी निकाल देना है और ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप बिरयानी के चावल ज़्यादा पका देंगे तो सारी बिरयानी आपकी बैठ जाएगी और जो इनमें कसर रह गई है वो दम लगने पे पूरी हो जाएगी। ये देखिए अब इसका मैं सारा पानी निकाल के छान दूंगी एक जाली के अंदर रख के। चलिए हमारे चावल हो गए हैं। ये देखिए अभी प्याज इतने गल पक गए हैं, इस तरीके से इसका गोल्डन कलर हो गया है और हमें अब इससे ज़्यादा प्याजों को पकाना नहीं है। अब इसके अंदर मैं गोश्त को ऐड कर दूंगी, सारा गोश्त इसके अंदर चला जाएगा। एक बार हिला दूंगी इसको, नीचे से प्याज जले नहीं जिसमें। देखिए सब गोश्त इसके अंदर चला गया है कुकर में। इसको 2-3 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे, इसका जो गोश्त का पानी छूटेगा उसका सारा स्मेल निकल जाएगी। और इसी के अंदर ये मैं नमक डाल दूंगी। दो तीन मिनट तक इस तरीके से पकेगा, जो भी गोश्त का पानी छूटेगा और जो भी स्मेल गोश्त की होगी वो सारी निकल जाएगी। फिर उसके बाद में मैं मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए गोश्त का सारा जितना भी पानी था सब जल गया है, इसको मैंने पास पे ही रख के सारा पानी जला दिया है गोश्त का। और ये देखिए तेल कैसा छूटने लगा है। अब इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 2 बड़े चम्मच है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। इसको थोड़ा चलाऊंगी। फिर इसके बाद में ये मिर्ची पाउडर जाएगा। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, आप कितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से डालिए, लेकिन इसमें कम मिर्ची ही जाती है। और ये हमारा पूरा दही जाएगा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अदरक लहसुन और दही का जो भी पानी छूटेगा उससे आपका गोश्त गल जाएगा। 2-3 से 4-3 विसिल लेंगे हम लोग इसकी लीड लगा के, और फिर उसके बाद में फिर इसको अच्छे से भून देंगे। इसको मैं प्रेशर कुकर को लगा दूंगी और मीडियम स्लो पे आप गैस को रखिए, आपका जले नहीं अपनी। बाद में इसको प्रेशर कर दीजिए, 2 से 3 सीटी होने के बाद में इसको खोल दीजिए, खोलने के बाद में भूनिए। ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर की लीड को खोल दिया है और ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। मैंने पानी ज़रा भी नहीं डाला था, इसमें से कितना पानी छूटा है और तेल भी काफ़ी पक ही गया है। तेल भी ये देखिए मसाला एकदम पक गया है, तेल छोड़ दिया है इसमें, पानी सब जल गया है। अब इस पॉइंट में मैं ये सारे गरम मसाले को ऐड करूँगी जो मैंने पीसे थे, आपको दिखाए थे, इनको मैंने लिक्विड बेस में पीस लिया है बारीक। आप चाहें तो इस गरम मसाले को बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ड्राई में, लिक्विड में नहीं। सारा गरम मसाला इसके अंदर चला गया। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे 2 से 5 मिनट तक के, जैसे भून लेना है सब गरम मसाला इनके अंदर चला जाए गोश्त के अंदर, अपनी हमारी अच्छी टेस्टी बन जाए। और आप इस पॉइंट में नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी कम लगे आप उसमें ऐड कर लिए। हमारी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारी आने वाली अगली रेसिपी जब सबसे पहले मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें से
सारा तेल सब ऊपर आ गया। अब हम इसकी यखनी के लिए दम पे परते लगाएंगे। चलिए दम लगाते हैं इसको। और गोश्त भी काफी अच्छे से गल भी गया है, ऐसा नहीं है कि गोश्त नहीं गला है। गोश्त भी देखिए गोश्त किस तरीके से अच्छे से गल गया है। हमने 3 से 4 इसमें विसिल लगाई थी और आप भी अपने हिसाब से लगाइए विसिल इसमें, और ज़्यादा गले नहीं, फूटे नहीं। अगर गोश्त आपका फूट जाएगा तो फिर आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक खुला हुआ बर्तन ले लिया और इसके पेंदा एकदम झाड़ा है, डबल कोटेड है, जिसमें हम बिरयानी हमारी झलेगी नहीं। आप भी कभी भी बिरयानी दम कीजिए तो ज़रा भारी बर्तन में कीजिए, जिसमें दम लगाने वाली बिरयानी जो भी होती है उनमें नीचे से पेंदे में से बिरयानी जले नहीं हो। बिरयानी जलने के बाद में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और फिर ख़राब भी हो जाती है। इसके लिए पहले हम सबसे पहले इसके अंदर ये बिरयानी की जो अखनी है इसको मैं डालूँगी, जिसमें इसका जो पहले का तेल है उसमें थोड़ा सा मैं तेल डालती हूँ स्टार्टिंग में। ये देखिए मैंने तेल डाल दिया इसके लिए, क्योंकि मेरी बिरयानी को नीचे से जले नहीं और पकड़े नहीं। और चावल भी देखिए हमारे कितने एकदम खिले खिले से हैं, चावल बहुत अच्छे बने हैं। और इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, फर्स्ट लेयर हमारी ये है चावलों की। फिर उसके बाद में ये आधा बेस इसके अंदर चला जाएगा, हाफ मैंने इसके अंदर डाल ली हूँ। इसको फैला लेना है डाल के। इस तरीके से फैला दें, पोटियों को अलग अलग कर दे। फिर इसके अंदर से ये बाकी के भी चावल इसी में जाएंगे। कभी भी खुले बर्तन में आप बनाएंगे तो चावल और ज्यादा खिलता है और अच्छा बनता है। और कम से कम इसको दम करेंगे हम लोग 25 से 30 मिनट तक के, स्लो पे ही इसको दम लगाना है, फास्ट गैस नहीं करना है। ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया और उसके ऊपर एक मैंने जूना पुराना तवा था जिस पे मैं दम लगाती हूँ और उसको मैंने रख दिया है, जिसमें हमारी बिरयानी जले नहीं। और फिर उसके बाद में ये पतीली इसके ऊपर रख देंगे। कम से कम पतीली गर्म होने तक के 5 मिनट तक के मैं इसको फास्ट पे रखूँगी, और जैसे ही हमारा बर्तन गर्म हो जाएगा उसके बाद में मैं उसको स्लो कर दूंगी। और ये कलर था, जो ये कलर था इसके अंदर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद में फिर इसमें दूध में मिला के मैं इसमें डाल दूंगी इसको। इसी के अंदर मैं क्योरा भी डाल सकती हूँ, अलग से भी डाल सकती हूँ और इसमें साथ में भी डाल सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये देखिए ये केवड़े को भी मैंने ऐड कर दिया है कुछ बूंदे, 10 से 12 बूंदे डाल दी हैं। और इसको आप इस तरीके से कलर को डालिए। मेरे पास में बचा हुआ कलर भी था, ये भी मैं इसी के अंदर ही डाले दे रही हूँ। और फिर उसके बाद में फिर इसको दम पे लगा दूंगी मैं, इस तरीके से कपड़े को ढकूंगी और बाद में इसे ढक्कन लगा दूंगी। और ये हमारी बिरयानी दम पे हो रही है, बर्तन गर्म भी होने लगा है हमारा। और कम से कम 30 से 40 मिनट तक के आप इसको ऐसे ही दम पे रखिए, क्योंकि जितनी ही ये दम पे रहेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसके लिए जल्दबाजी मत करें, और ये जब दम पे होएगी तो अपने आप ही से इसमें से खुशबू आने लगेगी आपको बहुत अच्छी सी, और आप समझिएगा कि आपकी बिरयानी बन गई है। और आप हमारे बरियाल गनाश चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अगर बरियाल गनाश पे आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर दम लगती है, उसके बाद में मिलते हैं। लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए इंस्टाग्राम पर बरियाल ग्लैमर को फॉलो करें। देखिए काफ़ी अच्छे से दम लग गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए।